हे गाइस, स्वागत है आप लोग का हमारे न्यू वीडियो में। सो गाइस, आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप लोग को बताऊंगा, अगर आपका पैसा जो है यूनियन बैंक अकाउंट में है, अगर आप लोग उसको एफडी करवाते तो कितना परसेंटेज इंटरेस्ट रेट आपको देखने के लिए मिलेगा। क्योंकि आप जो पैसे सेविंग अकाउंट में अपना रखते हो वो बहुत ही कम इंटरेस्ट रेट के हिसाब से बढ़ता है, मतलब 2 से 3% बढ़ता है। वहीं अगर आप पैसे को अगर आप एफडी करवाते हो, फिक्स डिपोजिट अगर करवाते हो, तो कितना प्रॉफिट होगा, चलिए वो चीज़ें मैं आप लोग को दिखा देता हूँ। यहाँ लाइव प्रूफ में दिखा के रखूँ, यहाँ पर देख सकते हो यूनियन बैंक अकाउंट, यहाँ पर देख सकते हो यूनियन बैंक एफडी कैलकुलेटर, यहाँ पर मैं खोल के रखा हूँ। और मैं आपको सिंपल तरीके से 10,000 से लेकर 1 लाख 10 लाख 1 करोड़ तक का मैं दिखाऊंगा, अगर कितना रख दूँ कितना प्रॉफिट होगा, इसके बारे में पूरा डिटेल मैं आप लोग को दिखाने वाला हूँ। सबसे पहले यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर टोटल अमाउंट जो है 1 लाख रुपये यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, ठीक है। तो 1 लाख, जैसे यूनियन बैंक में आप 1 लाख रखे हो तो उसका जो 2 से 3% कितना बढ़ेगा, 2 से 3 हज़ार रुपये बढ़ेगा। वहीं अगर आप एफडी करवा लेते हो तो आपको कितना प्रॉफिट होगा, चलिए मैं आपको सीधे लाइव प्रूफ दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर रेट ऑफ़ इंटरेस्ट आपको दिख जाएगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पर देख सकते हो 6.5% यूनियन बैंक का है, जो कि मैंने आपको पेटीएम पेमेंट बैंक एंड SBI बैंक का भी बता रखा है। आप लोग वो वीडियो जाकर देख लेना, अगर उसमें आप पैसे रखो तो उसमें किस प्रकार एफडी करके बढ़वा सकते हो, वो वीडियो आप लोग देख लेना, ठीक। सबसे पहले यहाँ पर आपको ये देख लीजिए, उसके बाद फ्रेंड में वहीं पर अगर आप इसको 1 साल के लिए रखते हो तो 1 साल देख सकते हो, यहाँ पर ईयर जो है 1 महीने सिलेक्ट किया हुआ है, टाइम पीरियड जो हमारा है वो 1 साल का है, 1 साल का। और यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर टोटल अमाउंट कितना आपको मिलेगा, यहाँ पर आप लोग ये देख सकते हो, जो रिटर्न आपको देखने के लिए मिल रहा है वो मिल रहा है 1,06,600 रुपये, यहाँ पर आपको रिटर्न देखने के लिए मिल रहा है, ठीक है। मतलब 6.5% यहाँ पर आपका इंटरेस्ट रेट बढ़ रहा है। वहीं से अगर 2 से 3% की बात करें तो वहाँ पर आपको बढ़ता सीधे बस 2 से 3 हज़ार रुपये बढ़ता, लेकिन एफडी करवा रहे हो तो देख सकते हो 6,000 कितना रुपये बढ़ा, 6,660 रुपये यहाँ पर टोटल आपका बढ़ा हुआ है। अगर वहीं पर मैं आपको अगर टाइम पीरियड अगर आप बढ़ाते हो, जैसे 1 साल से यहाँ पर आप 5 साल करते हो, जैसे 1 साल यहाँ पर रिमूव करके मैं 5 साल करता हूँ, अगर आप 5 साल के लिए एफडी करवाते हो तो 5 साल में आपका पैसा देख सकते हो कितना बढ़ जाएगा। 5 साल अगर आप थोड़ा लॉन्ग टाइम, थोड़ा ज़्यादा टाइम के लिए अगर इन्वेस्ट करते हो एफडी में यूनियन बैंक का, तो आपको ज़्यादा प्रॉफिट देखने के लिए मिल जाएगा, ठीक है। वहीं पर मैं आपको बता दूँ, मैंने SBI रेट भी बनाया एंड आपने पेटीएम पेमेंट बैंक भी मैंने बताया, उसमें किस प्रकार एफडी से इंटरेस्ट कितना मिलता है। बाकी आप लोग सेविंग अकाउंट में जो पैसा रखे हो तो मैं यही कहूँगा आप उसको एफडी करवा लीजिए। एफडी करवाने में जो है आपका पैसा ही थोड़ा जो है ज़्यादा पड़ेगा, यहाँ पर देख लो सिंपल से दिखा 6.5% का यहाँ पर बढ़ रहा है, जो कि और SBI बैंक जो देता है 7.5% और भी ज़्यादा। तो फ्रेंड, बाकी बैंक जो है अलग अलग परसेंटेज के हिसाब से अपना इंटरेस्ट रेट देती है, जैसे SBI बैंक में मैंने बताया कि वो 7 से 8% बढ़ा देता है। वहीं पर मैंने पेटीएम पेमेंट बैंक का भी आप लोग को बताया था पिछली वीडियो, आप लोग जाकर देखोगे, जो कि सबसे ज़्यादा उसमें पड़ता था, उसमें कोई ब्रेक अगर आप एफडी ब्रेक करते हो तो उसका भी आपको चार्ज आपको देना नहीं पड़ेगा पेटीएम पेमेंट बैंक में अगर आप एफडी करवाते हो। सो आई होप दो तीन वीडियो आप लोग देख लें, अगर आपके पास जिसमें भी अकाउंट है आप उसमें एफडी करवा सकते हो। सेविंग अकाउंट से बढ़िया मैं कहूँगा आप एफडी करवा लो, एफडी करवाओगे तो आपका इंटरेस्ट जो है काफ़ी तेज़ी से बढ़ेगा। मतलब म्यूचुअल फंड में भी इन्वेस्ट कर सकते हो, ग्रो ऐप मैंने बताया पिछले वीडियो में, ऑलरेडी कई सारे वीडियोज़ में मैंने बता रखा। सो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगे, बाकी कोई डाउट हो कमेंट करके पूछ सकते हो, मैं प्रॉपर वीडियो आप लोग के लिए बनाने वाला हूँ। तो चलेगा आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं किसी और दिन नेक्स्ट वीडियो से, तब तक के लिए बाय।